हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं GCam 8.2 के बारे में। सो गूगल कैमरे का जो लेटेस्ट वर्सन है 8.2 वो दोस्तों फाइनली अवेलेबल हो गया है। एंड जैसे देख पा रहे हो अभी हमारे पास जो डिवाइस है दोस्तों Xiaomi Mi 2 डिवाइस। सो इसके अंदर हमने दोस्तों गूगल कैमरा 8.2 का जो मॉडिफाइड वर्सन है इसे इंस्टॉल कर लिया है। एंड यहाँ पर 8.2.204 हमने इंस्टॉल किया है अपने Mi 2 डिवाइस के लिए। सो जो पैरोट करके डेवलपर है उसकी तरफ से दोस्तों ये जो गूगल कैमरा का मॉडिफाइड वर्सन है हमें देखने को मिल गया है। सो बात कर लेते हैं दोस्तों GCam का 8.2 के मॉडिफाइड वर्सन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्सन है आपका एंड्रॉयड 10 के ऊपर काम करेगा। ऐसे देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं MIUI प्लस 12.0.3 के ऊपर हूँ एंड ये जो फोन है दोस्तों ये रन कर रहा है अपना एंड्रॉयड 10 के ऊपर। सो एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये जो गूगल कैमरा है काम करेगा, एंड्रॉयड 11 के ऊपर एज वेल एंड्रॉयड 12 के ऊपर काम करेगा। एंड जैसे देख पा रहे हो हमारे पास जो पोको फोन है इसके अंदर भी हमने ये जो गूगल कैमरा इंस्टॉल कर रखा है देख पा रहे हो। एंड ये भी पोको फोन के अंदर भी काम कर जा रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने सभी डिवाइस के अंदर जिसके भी अंदर कैमरा टेप एनेबल हो एंड जिसके भी अंदर एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट हो। सो यूजर इंटरफेस की बात करूँ कुछ इस तरह से है GCam 8.0 की तरह ही है बट यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप कैमरा के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लिखा आएगा वह दोस्तों मोर लाइट करके। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा नाइट स्लाइड की। ये देखो नाइट स्लाइड का ऑप्शन है या सब नन कर सकते हो एज वेल यहाँ पर आप फ्लैश को यूज़ कर सकते हो। मतलब जो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है और जो नाइट स्लाइड मोड है उससे आप दोस्तों ऑफ ऑन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मान लेते आप डार्कर कंडीशन के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका नाइट स्लाइड मोड है वो ऑन हो जाएगा एंड उसके बाद आपका जो कैमरे के अंदर ही दोस्तों जो नाइट स्लाइड मोड है उसके साथ काम करेगा। इवन जो अपना पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों वो भी दोस्तों जो नाइट स्लाइड मोड है उसे सपोर्ट करता है। मतलब आप नाइट स्लाइड के साथ पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक कर पाओगे जो काफ़ी बढ़िया है। एंड शटर स्पीड काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही जल्दी पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो ऑप्शन देख पाओगे मोर लाइट करके जो है नाइट स्लाइड यहाँ पर दिया गया है, फास्ट वाला जो ऑप्शन है इसे इस बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों GCam 8.2 के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है होराइजन लाइट का सपोर्ट जो कि नाइट मोड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सो मान लेते हैं आप दोस्तों बहुत ही डार्कर कंडीशन के अंदर हो एंड आपको एक स्टेबल पिक्चर चाहिए, एक सही पिक्चर चाहिए, होराइजन वाली पिक्चर चाहिए, तो आपको एक होराइजन लाइन देखने को मिलेगा। ये जो लाइन देख पा रहे हो ये जो लाइन है आई होप यू कैन सी इट। ओके सो ये देखो ये जो आप लाइन देख पा रहे हो दोस्तों इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो लाइन है हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप जो गूगल कैमरा के अंदर आप देख पाओगे कि आप जो पिक्चर क्लिक करो सही है, तैरा बका तो नहीं है, मतलब इस तरह से लेफ्ट राइट तो नहीं हो गया। सो देख ही पा रहे हो अगर इस तरह से पिक्चर क्लिक करते हो तो ये जो लाइट है अगर सीधा होता है तो आपका जो पिक्चर है सही आया है। सो ये जो होराइजन लाइट है, होराइजन लेवल जो है इसका नाम है होराइजन लेवल, ठीक है। ये जो होराइजन लेवल है इसे ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, जो कि नाइट मोड के लिए काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्लिक करने में मदद करेगा। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर जो शेयर बटन है वो और भी थोड़ा सा बढ़िया हो गया है। आपको जो शेयर एनिमेशन है और भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। आपको यहाँ से डायरेक्टली कोई भी फोटोज के वीडियोज को शेयर कर पाओगे जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी है हमें। एंड अगर बात करें यहाँ पर 8.2 का जो सबसे बड़ा मेजर फीचर्स है वो दोस्तों अगर आप इस कैमरा बटन को होल्ड करके रहोगे तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो ही जाती है, उसके बाद दोस्तों कॉडेक ऑप्शन देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर लॉक का बटन, यहाँ पर अगर आप स्वाइप लेफ्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर टैप करने से आप जो फोटो है उसे आप क्लिक कर पाओगे। अगर आप जूम करना चाहते हो तो जूम करने का भी ऑप्शन कुछ इस तरह से है, स्वाइप पिंच जूम करके आप जूम कर सकते हो। नाउ यहाँ पर ये जो फीचर्स है इसे 8.2 के अंदर नया डाला गया है। अगर आप यहाँ पर जो शटर बटन है इसे होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली कैमरा के अंदर से वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर स्विच हो जाता है। उसके बाद आपका जो गूगल कैमरा है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर आपका जो लॉक का भी बटन हमें देखने को मिल जाती है। सो ये जो फीचर्स है इसे ऐड करके दिया गया है। एंड मान लेते हैं अगर आप इसे होल्ड करते हो उसके बाद स्वाइप अप करते हो तो इस तरह से आप जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो। देख पा रहे हो ये सभी गेस्चर्स के थ्रू हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर लग रहा है। सो ये जो फीचर्स है इसे भी ऐड करके दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑटो NS है वो जो शटर है उससे आप जो आपका ऑटो नाइट स्लाइड बटन है ये जो देख पा रहे हो रात के टाइम जब भी होएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर जो नाइट स्लाइड बटन है इसे ऑफ ऑन करने का भी ऑप्शन डाल दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। ये दोस्तों 8.1 के अंदर था और 8.0 के अंदर था, मॉडिफाइड वर्जन के अंदर था, बट जो गूगल कैमरा का स्टॉक वर्जन उसके अंदर नहीं था, 8.2 के अंदर नया ऐड करके दिया गया है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
नेक्स्ट दोस्तों जो डॉक बार है वीडियो के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। देखिए बड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर रहा है, 2x हम जूम कर पा रहे हैं, यहाँ पर स्टेबलेशन भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड स्टेबलेशन के अंदर स्टैंडर्ड लॉक्ड एक्टिव सिनेमेटिक पैन सभी दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो जितने भी दोस्तों प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर सभी फिक्स हो गया है। एंड ये काफ़ी बढ़िया है भाई सब, सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर रहा है। सो जो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 4K का ऑप्शन हम देखने को मिल जाती है। सो अगर आपका डिवाइस 4K सपोर्ट करता है तभी दोस्तों ये जो 60 FPS का ऑप्शन है इनेबल होगा, वरना इनेबल नहीं होगा। जैसे कि बस मेरे पास जो Redmi Note 7 है इसके अंदर 4K का ऑप्शन नहीं है, इसलिए 4K का ऑप्शन जो है 4K के अंदर 60 FPS का जो ऑप्शन है इनेबल नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर हमें 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 80 FPS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर पैनोरामा फोटोस्फेयर मोड तो देखने को मिलता ही मिलता है। अगर बात करें अपन नाइट साइड मोड की तो डेडिकेटेड डस्टर फोटोग्राफी बटन है, ऑटो वाइड बैलेंस हमें देखने को मिल जाती है। आपका जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर एचडीआर मोड है, जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो नाइट लाइट मोड है उसे बंद ऑफ कर पाओगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। सो सेटिंग्स के अंदर नॉर्मल स्टफ्स है, यहाँ पर सोशल शेयर के ऑप्शन है जहाँ पर आप डायरेक्टली गूगल के मैं के फोटोज को शेयर कर पाओगे। फ्रीक्वेंटली फेस का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिवाइस स्टोरेज के अंदर कितना फोटो कितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, आपको गूगल कैमरा के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इनेबल कर देते हो तो। एंड एडवांस का ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको एचडीआर कंट्रोल दिया गया है जो कि काफी बढ़िया है। इस ऑप्शन को इनेबल करने ला मैं सब क्या बोल रहा हूँ, आपको ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसे आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद रॉ इमेज का भी सपोर्ट है, अगर आप रॉ इमेज क्लिक करना चाहते हो गूगल कैमरा के साथ तो उसका भी सपोर्ट दिया गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें जो फ्रेम इंडिंग है उसका ऑप्शन दिया गया है। सेफ सेल्फी से प्रीव्यू हमें देखने को मिलता है। एंड वीडियो स्टेबलेशन ऑडियो जूम का भी फीचर दिया गया है, जो फीचर से काफ़ी बढ़िया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमें डेवलपर सेटिंग्स भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया है ऐसे देख पा रहे हो। एंड अगर आप चाहते हो दोस्तों अलग से मैं वीडियो लाऊं दोस्तों डेवलपर सेटिंग्स को लेके, तो जरूर से बोलना, मैं जरूर से वीडियो लाऊंगा डेवलपर सेटिंग्स को लेके। एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे डेवलपर सेटिंग्स के अंदर। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन सेटिंग्स देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें फोकस ट्रैकिंग दिया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप टैप करके फोकस करके उसके ऊपर लॉक कर सकते हो फोकस को। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो जूम होता है उसे आप डिसेबल कर पाओगे। जो P3 कलर है जो कि हमें आईफोन्स के अंदर देखने को मिलता है उस कलर को आप यूज़ कर सकते हो। HDR एनहांस फ्रेम के अंदर आप चाहो तो ऑटो से 25 कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप एनहांस करोगे आपका पिक्चर की क्वालिटी उतना ही बढ़िया आएगा, उतना ही शार्प पिक्चर हम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो ऑटो वाइड बैलेंस है उसे आप चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो सुपर रेज जूम है उसको भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। ये तो गए दोस्तों मॉडिफाई सेटिंग्स की बात। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अबाउट ऐप के अंदर जो डेवलपर है, डेवलपर के पैरोट के नाम है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो वर्सन है दोस्तों वर्सन 1, इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्सन देखने को मिलता है, GCAM 8.2.204 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं इस वर्सन के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्सन है पोको का जो X3 है, MI 9 है, Redmi Note 7 Pro, MI Note 3, ये सभी के लिए दोस्तों काम कर रहा है। एंड वीडियो स्टेबलेशन काम कर रहा है, 48 MP काम कर रहा है जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड Redmi Note 7 Pro के अंदर जो 48 MP है उसका सपोर्ट आ गया है, Poco X3 का सपोर्ट आ गया है। सो काफ़ी डिवाइस को इस बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8.2 का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड करते रहूँ, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों गूगल कैमरा 8.2 का जो डाउनलोड लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए GCAM 8.2 को। एंड आप दोस्तों अपने फ़ोन के ऊपर इस गूगल कैमरा को यूज़ करके बोलिए आपको कैसे लगा दोस्तों इस गूगल कैमरा का ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरे को तो दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी पसंद आया है एंड काफ़ी बढ़िया है। बाकी ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है उससे कमेंट करके हमें यहाँ पर बोल देना। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ पिक्चर सैंपल के बारे में। तो सभी पिक्चर सैंपल को हमने क्लिक किया है अपने MI 2 डिवाइस के साथ। सो आप जल्दी से जो पिक्चर सैंपल से उसे देख लीजिए। सो भाई साहब आपने जो पिक्चर सैंपल है उसे देखा, जो 8.2 है वो किस तरह से पिक्चर को क्लिक कर रहा है, सभी पिक्चर्स को अपने MI 2 डिवाइस के साथ क्लिक किया है। एंड ये दोस्तों वर्सन 1 है इसलिए दोस्तों कुछ कुछ ग्लिचेस और कुछ कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं, बट मोरऑल ओवरऑल जो गूगल कैमरा है काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमें इन फ्रंट कैमरा के अंदर भी दोस्तों नाइट स्लेट फीचर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट कैमरा के अंदर, हाँ जी भाई साहब, फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको नाइट स्लेट जो फीचर्स है वो देखने को मिलता है जो कि डेफिनेटली काफ़ी एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल जाती है। फेस रिटचिंग, HDR मोड सभी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी दोस्तों फ्रंट कैमरा के अंदर हमें जो नाइट स्लेट फीचर्स है वो देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी बढ़िया गूगल कैमरा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों एक
इम्प्रूवमेंट के साथ देखने को मिलता है। जो डॉक का फीचर है मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है, बट ये जो डॉक का फीचर है दोस्तों स्पेशली आपको होल्ड करने के बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, इससे दोस्तों कैमरे के ऊपर काम करते हैं, आपका जो वीडियो आपका जो सॉरी पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर काम नहीं करेगा। एंड थोड़ा सा दोस्तों देख ही पा रहे हो किस तरह से काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को। आपको कैसा लगा ये जो फीचर, इसे डेफिनेटली ट्राई करना। एंड अगर आपको इस गोल कैमरे को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।